नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे जीरा वाली पेप्सी या जीरा वाले फ्लेवर से आप आइसक्रीम या पेप्सी कैसे बनाएंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम इंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट ब्रदर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीरा वाली पेप्सी बनाने का फॉर्मूला या जीरा वाली पेप्सी कैसे बनाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जीरे वाली की बोतल, पाउच, पेप्सी बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रही है। उसका फ्लेवर भी आपको हर जगह मिल जाएगा या हमारे पास से भी मिल जाएगा, लेकिन उसको बनाने की टेक्निक बहुत ही कम लोगों को पता है। या आप फ्लेवर लेकर आ जाते हो फिर उसको बनाना कैसा है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जीरा का जो फ्लेवर आता है उसका एक कंपाउंड, दो कंपाउंड आते हैं, दोनों कंपाउंड अलग अलग आते हैं। उसको मिक्स कैसे करना है, कितने लीटर पानी में मिक्स करना, उसका पूरा सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं ये फ्लाइंग बर्ड का जीरे का पूरा किट रहेगा, जिसके अंदर तीन जीरा के पाउच और तीन जीरा की बोतल रहेगी। आप कैसा रहेगा उसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। इस तरह से एक पूरा सेट रहेगा जीरे का। इस तरह से आपका पूरा एक जीरा का सेट रहेगा। इस किट के अंदर आपको टोटली तीन जीरा के सेट रहेंगे, जीरा पूरा तीन, कंप्लीट जीरा का तीन सेट। अब इसको बनाने की टेक्निक क्या, इसको बनाते कैसे, इसको बनाने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिक्योर फॉर्मूला एक ही है। मार्केट में आपको अलग अलग लोग अलग अलग इसके पीछे विधि लिखी हुई कैसे बनाना है, लेकिन अगर इस टाइप से बनाने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और उसमें जैसा टेस्ट हम आपको बनाएंगे वैसा टेस्ट भी नहीं आएगा। इसको बनाने का तरीका हम आपको अभी जीरा वाला फ्लेवर बनाने के लिए आपको नॉर्मली चाहिए एक पतीला, उसके साथ में जीरा का फ्लेवर, और इसको मिक्स करने के लिए चाहिए आपको एक लीटर पानी। एक लीटर पानी के अंदर आपको इस पतीले के अंदर डालना है। एक लीटर पानी पतीले के अंदर डाल के इसके अंदर आपको जो आधा 100 ml के साथ में बोतल दी गई है उसका पूरा फ्लेवर भी इसी के अंदर डालना है। पूरा फ्लेवर डाल देने के बाद में इसके अंदर आपको जीरा का बोतल वाला फ्लेवर डालने के बाद में इसके अंदर आपको डालना है जो आधा किलो के इसके साथ में कंपाउंड आया वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको फुल्ली दोनों में एक लीटर पानी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से चमचे की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना। बस ये ध्यान रखना आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसके अंदर एक भी कण बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक लीटर पानी के फ्लेवर तैयार करने में बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसको आपको एयर टाइट बोतल के अंदर इसको फिलअप करना है। ये ध्यान रखना है इसको चलने से अच्छी तरह से छानना है। ये हमारा कम्प्लीटली एक लीटर जीरा फ्लेवर तैयार हो गया है। अब आप बोलोगे कि ये एक लीटर फ्लेवर तो जीरा का तैयार हो गया है, लेकिन इसको मुझे पेप्सी बनाते उस टाइम 10 लीटर पानी या 20 लीटर पानी में कितना ये फ्लेवर डालना है। इसका सीक्रेट फॉर्मूला जब आप जीरा हमसे परचेज करोगे या हमारे द्वारा आप हमारी जो एप्लीकेशन है राइट वुमन एप्लीकेशन वहाँ से परचेज करोगे तो इसके साथ में ये बुक साथ में आएगी, जिसमें पूरा लिखा होगा कि ये जीरा जो आपने बताया है इसको 10 लीटर पानी, 20 लीटर पानी या 30 लीटर पानी में इसका कितने ढक्कन या कितने ml इसको जीरा बोतल जीरा फ्लेवर डाल के आपको उसका जूस तैयार करना है। और इसी प्रकार के नए नए बिजनेस कॉन्सेप्ट देखने के लिए, सीखने के लिए और उसका माल परचेज करने के लिए हमारा चैनल राइट ब्रदर को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।